और इनके लिए पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने 2014 में आते ही इनके लिए कानून बनाने का काम किया है। लेकिन अभी भी दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों के साथ होता है, आए दिन शिकायतें आती हैं कि बरसों से कोई किसी जगह पर रेहड़ी पटरी की दुकान लगा रहा है और दिन भर मेहनत कर रहा है, उसको वहाँ से उजाड़ देते हैं। इतनी मेहनत इसमें प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया है कि सभी राज्यों को कोविड के दौरान लगातार रोज फॉलोअप किया जाता था, आपने आज कितना दिया, हर बैंकों से पूछा जाता था आपने कितने लोन अप्लाई किया, कितने लोगों को आपने सैंक्शन किया, कितना डिस्पर्स किया। ये कमेटी भी ये काम करती रही, कमेटी की बैठक रेगुलर होती रहे जिसमें 40% हाकर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ऑफिसर्स भी रहेंगे, एमपी एमएलएज भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से जो इनका शोषण है वो बंद होगा। आज जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 पारित हुआ है जिसमें कि हमारी सरकार ने काफ़ी इनको एक प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स वही हैं जो देश के किसी शहरों में गांव से या शहरों से निकल करके रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, खोंचा लगाते हैं, चाहे मतलब फूड का हो, जनरल आइटम्स का हो। लेकिन जिस तरह से उनको इस एक्ट के होने के बावजूद भी कभी पुलिस उनको उठा के वहाँ से हटा देती है, जिस तरह से उनका नुकसान होता है, उसके लिए भी टाउन बेंडिंग कमेटी बनाने की बात इस कानून में कही गई है। और जहाँ भी बैठते हों वहाँ पे एक जगह निर्धारित करना होगा, चाहे वो दिल्ली हो तो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को करना है जो हमारी MCDs हैं, या राज्यों की राजधानी हो तो वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हों, या नगर पालिका में OC हों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, महापालिकाएँ हों, और उनकी रेगुलर बैठक होनी चाहिए टाउन बेंडिंग जोन में, जो टाउन बेंडिंग कमेटी बनती है। इसमें हम लोगों ने उस एक्ट के मुताबिक काफ़ी रिकमेंडेशंस किया है, और इनके लिए पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने 2014 में आते ही इनके लिए कानून बनाने का काम किया है। लेकिन अभी भी दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों के साथ होता है, आए दिन शिकायतें आती हैं कि बरसों से कोई किसी जगह पर रेहड़ी पटरी की दुकान लगा रहा है और दिन भर मेहनत कर रहा है, उसको वहाँ से उजाड़ देते हैं, तो इस संबंध में है, तो निश्चित तौर से भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। कमिटीज की बैठक रेगुलर होती रहे जिसमें 40% हाकर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ऑफिसर्स भी रहेंगे, MP MLAs भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से जो इनका शोषण है वो बंद होगा। तो आज उसी सिलसिले में ये लोग थे, इन्होंने बुलाया था, मैं आज भी आया हूँ, और हमने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है जो पार्लियामेंट में हमने उसको प्लेस कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि उस रिकमेंडेशंस पे भी आगे अमल होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा कब्जा है MCD पर, लगातार हॉकर्स शिकायत करते हैं कि परेशान किया जाता है, ये किया जाता है, तो 14 का बना कानून अब तक मतलब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। देखिए, सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, कि कानून जब हमने इनेक्ट कर दिया है तो ये कानून लागू करने का काम प्रशासन का है, जैसे हमने कहा टाउन बेंडिंग कमेटीज का। तो अब कई राज्यों ने तो इसको लागू भी नहीं किया था, तो इसको लागू कराने का काम हम लोगों ने कई बार मीटिंग बुलाई और लोगों से कहा, और आज भी अगर कहीं पे किसी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा जाता है तो इसमें वहाँ के लोकल कोई पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं, लोकल कोई MCD का कर्मचारी जिम्मेदार होता है, तो ऐसी चीज़ों की न कोई पुनरावृत्ति हो, इस संबंध में हम लोगों ने कई बार बैठकें किया और निर्देश भी दिया है, और आगे भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो उस पर फिर हम एक बैठक बुलाएंगे। देखिए, ये लोकल इशू है, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। मेट्रो सिटी में कुछ ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये है कि वो कानून जो आया उस कानून का सही पालन हो रहा है, उस कानून के बावजूद भी अगर कहीं लोगों के साथ कोई कठिनाइयां हैं तो हम
सभी स्टेक होल्डर्स को, हमने फेडरेशन को सबको अपनी मीटिंग बुलाया, उनके विचार हमने सुने, प्रशासन के, पुलिस के, सब के, और उसके आधार पे ही हमने तैयार करके अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे हम इस पर नजर रखेंगे और आवाज़ उठाएंगे जहाँ से? देखिए, हमने रिकमेंडेशंस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जब वो रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी। हमने MCDs के कमिश्नर्स को कहा है, इसमें कोई सरकार को हम नहीं बुलाते कमेटी में, हम कमेटी में अधिकारी को बुलाते हैं। हमने कमिश्नर्स को कहा है, आप ये इंश्योर करिए कि जो वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके उनको रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड करके उनको आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड दे करके जहाँ पे वो लोग बैठते हैं आप वहाँ पे एक टाउन वेंडिंग जोन बनाइए, और टाउन वेंडिंग जोन वो निर्धारित है जिससे कोई पुलिस वाला, कोई जैसा आपने कहा कोई उजाड़ देता, कोई वसूली करता है, फिर ये नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल, हॉकर्स का ये कहना है कि हमें, मेरा सर्वे भी हो गया, मुझे कार्ड भी इशू कर दिए गए, लेकिन वो जो है MCD के कर्मचारी मानते नहीं है, लेकर चल देते हैं सामान। अब देखिए, ये इशूज जो है, अब वो हमसे फिर अलग बैठेंगे, भी बताएंगे, उसके आलोक में हम फिर बैठक करके बात करेंगे। धन्यवाद। सर, जो लोन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन जब ये लोग बैंक में जाते हैं तो उन्हें किश्तों में लोन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी जा रही। नहीं, ऐसा नहीं है सर, यहाँ के लोगों ने कुछ कहा है? नहीं, स्वनिधि की बात कर रहे हैं या लोन की बात? तो स्वनिधि तो 10,000 एक साथ मिलता है, PM स्वनिधि। तो ऐसा अगर कोई इंडिविजुअल केस मिलेगा, मैं उस बैंक को बुलाऊंगा मीटिंग में, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि PM स्वनिधि में जो दिया जा रहा है 10,000, वो बिना किसी कोलेट्रल के, अगर वो वेंडिंग का काम करता है तो उसको मिलना चाहिए। और इसमें काफ़ी जो कठिनाइयाँ थी, हम लोगों के प्रयास के बाद सभी बैंकों ने अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम किया, बैंकों ने कोलेट्रल जो लेते थे उसको भी कम किया, ये चीज़ें हैं। और अब आज बड़ी संख्या में जो 10,000 लिए थे, वो 10,000 को उन्होंने जब एक साल में अपनी EMI दे दिए तो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट हो जाता है। अगर रेगुलर EMI देते रहें तो उनका जो 1,250 बनता है उस पर आपको इंसेंटिव मिल जा रहा है, और फिर बीस हज़ार रुपया आपको बैंक से फिर मिल सकता है। तो इतनी सुविधा हमने किया। MCD में भी आपकी सरकार है और जो पुलिस है वो भी आपके अंडर आती है, लेकिन जब भी वहाँ पे जो लोग पटरी लगा रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है, तो वो लोग लोन कहाँ से भरेंगे? आप हमसे सरकार के संबंध में पूछें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हम आए और हमने इनकी रिकमेंडेशंस की, हमने इनकी मदद हमने इनकी मदद की, रिकमेंडेशंस किया है, जो हमारा अधिकार था उस अधिकार में संतुष्ट हैं इनके लोग। पूछिए इनसे कि हमने कितनी मेहनत किया है, लगातार काफ़ी बैठकें किया, सभी राज्यों के अधिकारियों को बुलाया, नेशनल हॉकर फेडरेशन शक्तिमान जी को बुलाया और जितने स्टेक होल्डर्स थे सबको बुलाया, और उन सब को सुन करके इनको आगे उत्पीड़न न हो उसकी रिकमेंडेशन दिया। सर, जो लोग हैं 20-30 साल पुराने, स्वनिधि के तहत तो जो है पहचान पत्र भी नहीं मांग रहे थे और 10,000 जो है देने, लोन देने की वादा किया है सरकार ने, मगर अब जो है उनसे पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है। वायदा नहीं, इतनी मेहनत इसमें प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया है कि सभी राज्यों को कोविड के दौरान लगातार रोज फॉलोअप किया जाता था, आपने आज कितना दिया, हर बैंकों से पूछा जाता था आपने कितने लोन अप्लाई किया, कितने लोगों को आपने सैंक्शन किया, कितना डिस्पर्स किया, ये कमेटी भी ये काम करती रही है। और अगर किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी बातों में रिजेक्ट कर देते थे ऐसा, तो आज वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल केसेज है मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। सर, 20-30 साल पुराने हैं ये, बैंक वाले कैसे निकलेगा समझ आएगा? 5 महीने से ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी रेडी पटरी हटाए हुए हो गए, तो क्या अभी तक इनको नई जगह भी नहीं दी गई? सर्टिफिकेट है इन लोगों के पास, लेकिन क्या इनको कब तक नई जगह दी जाएगी? ऐसा मेरे कोई इंडिविजुअल संज्ञान में आएगा कि कहाँ से हटाए गए, तो मैं वहाँ के प्रशासन से बात कर लूँगा, वहाँ से प्रशासन का बात कर लूँगा, समझे। लेकिन इंडिविजुअल तो हम पूरी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में कोई मीटिंग करके और रिकमेंडेशन देते हैं। अब अगर इस तरह के इंडिविजुअल केसेज हैं, वहाँ के MP से, वहाँ के MLA से, वहाँ के MLA से,
तो फिर उनको लोकल लेवल पे अपने रिप्रेजेंटेटिव से एमएलए से सरकार तो नहीं सुन रहे ना, जब तो यहाँ पर आकर जनता मंदिर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा रेडी पटरी वालों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, अब उनको मतलब क्या आएगा? अब हमारे विषय में आएगा तो मैं उससे बात करूंगा पक्का। हमारे विषय में आपने कहा, हमसे अभी तक किसी ने नहीं कहा। अभी हमने बात की जगदम्बिका पाल जी से जो कि वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अभी उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हम लोग रेडी पटरी वालों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो लोन दिया गया है उस पर भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो लोन देने की बात की गई है उस पर भी काम हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो स्वनिधि के तहत जो लोन दिया जा रहा है मगर उस पे जो है पहचान पत्र की मनाही की गई थी कि पहचान पत्र के बिना भी उन्हें लोन मिल जाएगा, मगर लोगों का कहना है कि पैन कार्ड के आधार पर जो लोन दिया जाएगा। मगर देखते हैं किस तरीके से अभी इन लोगों की सुनवाई होगी। जगदम्बिका जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि इनकी दुकानें रेडी पटरी जो हटाई गई हैं उस पर अभी हम संज्ञान लेंगे, देखते हैं इनके लिए काम करेंगे। तो अभी देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथुर, दिल्ली।